नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेस न्यूज इस वक्त आ रही है। दोस्तों, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को वायरल निमोनिया के चलते शुक्रवार को बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सीएम का बेंगलुरु में गले के कैंसर का भी इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चांडी ओमन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये जानकारी पोस्ट की और सभी से उनके पिता के स्वस्थ होने की प्रार्थना करने के लिए कहा है। बता दें कि फरवरी से पूर्व मुख्यमंत्री का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। साल 2019 से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जर्मनी के एक अस्पताल में गले की बीमारी के लिए उनकी लेजर सर्जरी भी हुई थी। उनका पिछले साल बेंगलुरु के एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को तिरुवनंतपुरम लौट आए थे। उन्हें कुछ दिन के बाद इलाज के लिए वापस बेंगलुरु पहुंचना था, लेकिन वो नहीं गए। वहीं उनके छोटे भाई और 41 अन्य लोगों ने ओमन चांडी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को पत्र लिखा। उसके बाद चीजें आगे बढ़ने लगी और जनवरी में सरकारी चिकित्सा पेशेवर की एक विशेष टीम गठित की गई थी। सलाह पर उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह निमोनिया से पीड़ित हैं और अब उनका इलाज चल रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बेंगलुरु के अंदर दोस्तों फिर से उनका इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को लेकर। तो लट रहे, सुरक्षित रहें, भगवान से ये कामना करें कि ये स्वस्थ होकर आप सभी के बीच वापस लौट आएं।